Welcome on Easy Learning. Now I am going to explain the next part of the video. Bharat is my home, written by Dr. Jakir Hussain. At first, I will explain some words pertaining to some paragraphs. The first word is erudition. E-R-U-D-I-T-I-O-N. ये एक noun है. It means great knowledge or learning. Means किसी चीज में बहुत ज्यादा knowledge होना या लर्निंग में बहुत ज़्यादा आगे होना. इसके बाद है सिस्ड, ये एक वर्ब है. इट मीन्स स्टॉप इट, मीन्स रोका हुआ. इसके बाद है चैम्पियन, ये एक वर्ब है. इट मीन्स स्टैंड अप फॉर सपोर्ट, मीन्स मदद के लिए या सपोर्ट के लिए खड़े रहना. इसके बाद है एथनिक, ETHNIC. एथनिक जो है एक एडजेक्टिव है. इट मीन्स रैशियल और कल्चरल. रैशियल मीन्स जातीय, वर्णीय या कल्चरल, मतलब जो अलग अलग कलर के होते हैं वो एक रेशियो में आते हैं, जैसे कि ब्लैक एंड वाइट होते हैं. इसके बाद ह्यूमिलिटी, ये एक नाउन है. हम्बलनेस और मॉडेस्टी. हम्बलनेस और मॉडेस्टी का मीनिंग क्या हुआ यहाँ पे, कि कोई चीज़ के लिए नम्र होना और झुक करके कोई चीज़ जो है वो प्राप्त करना. प्लेज, ये एक स्वेयर ऑन ओथ, मतलब कसम खाना. प्रिजम्पशन, ये एक नाउन है. एन आइडिया दैट इज टेकन टू बी ट्रू, एक ऐसा आइडिया जो कि हम सत्य मान बैठते हैं उसी को प्रिजम्पशन कहे जाते हैं. अब यहाँ पे कह रहे हैं कि आई मस्ट कन्फेस दैट आई एम ओवरवेल्म्ड बाय द ट्रस्ट माई पीपल हैव प्लेस्ड इन मी बाय इलेक्टिंग मी टू द हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड. कि मुझे यह जरूर स्वीकार करना चाहिए कि मैं उन सारी चीज़ों से व्याकुल हूँ, ओवरवेल्म्ड हूँ, उन ट्रस्ट के कारण ओवरवेल्म्ड हूँ जो ट्रस्ट मेरे लोगों ने मुझे दिया. क्यों दिया? तो उन्होंने मुझे चुना और उन्होंने इस ये जो धरती है, ये जो भारत धरती है, उस पर जो सबसे उच्च कार्य है उसके रूप में मुझे स्थान दिया. अब ये यहाँ पर मैं जो है वो अपनी बातों को बदलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में, और यहाँ पे ये डॉक्टर राधाकृष्णन को ले आते हैं और यहाँ पे कहते हैं कि डॉक्टर राधाकृष्णन ब्रॉट टू द प्रेसिडेंसी ए मेंटल इक्विपमेंट. कहते हैं डॉक्टर राधाकृष्णन ने जो है प्रेसिडेंसी को एक मेंटल इक्विपमेंट तक लाया, ब्रॉट. अब यहाँ पे प्रेसिडेंसी क्या है, तो पहले जो है वो एक हमारा पूरा जो कंट्री था वो प्रेसिडेंसी के रूप में था, लेकिन धीरे धीरे वो स्टेट में डिवीजन होना शुरू हुआ था. अ डिग्री ऑफ एजुकेशन एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस रेयरली टू बी फाउंड एनीवेयर. और यहाँ पे डॉक्टर राधाकृष्णन के बारे में बता रहे हैं कि जो विद्वता और एक्सपीरियंस के जो धनी लोग हैं उनकी जो स्तर है वो चीज़ मुश्किल से ही कहीं कहीं पे पाए जाते हैं. रेयरली मीन्स मुश्किल से, टू बी फाउंड एनीवेयर. ड्यूरिंग ए लाइफ टाइम डिवोटेड टू द परसिट ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ ही हैज डन मोर देन प्रोबेबली एनी अदर मैन. यहाँ पे फिर से डॉक्टर राधाकृष्णन के बारे में ही सारा कुछ बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पूरी जीवन काल में उन्होंने अपनी पूरी जो लगन है वो ट्रुथ और नॉलेज के पीछे लगा दिया. He has done more than probably any other man. शायद ही कोई और आदमी होगा जिसने कि इतना ज़्यादा जो है वो किया होगा. To bring out and explain Indian philosophical thought. Means Indian philosophical thought को explain करने में या उसको वापस लाने में. And the oneness of all true spiritual values. और जितने भी spiritual values है उसको एक करने में. He has never lost his faith in the essential humanity of man. उन्होंने अपनी faith को कभी नहीं जाने दिया man की essential humanity में. And he himself has never ceased to champion the right of all men. और वो हमेशा ही आदमी के अधिकार को बचाने के लिए खड़े रहे और उनके अधिकार को कभी रुकने नहीं दिया. साथ में वो लोगों की डिग्निटी
के साथ न्याय के लिए भी आगे खड़े रहे, टू लिव इन डिग्निटी एंड विद जस्टिस। तो इस पैराग्राफ में डॉक्टर राधाकृष्णन के बारे में अपने स्पीच में डॉक्टर जाकिर हुसैन बताते हैं। अब आगे चलते हैं। I can only assure you that I entered this office in a spirit of prayerful humility and total dedication. हम कहते हैं मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि मैं इस ऑफिस में आया हूँ, इस जोश से आया हूँ, इस उत्साह से आया हूँ, और मैं बिल्कुल ह्यूमिलिटी के साथ यहाँ पे हूँ और उसके लिए प्रेयर कर रहा हूँ, और साथ में मैं पूरा आत्मसमर्पण के साथ हूँ, टोटल डेडिकेशन। आई हैव जस्ट टेकन द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मैंने बिल्कुल जो है जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी लॉयल्टी के लिए शपथ लिया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मीन्स भारत का जो संविधान है, वो आपको पता ही होगा ये भारत के संविधान के बारे में। इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंपैरेटिवली न्यू स्टेट। ये न्यू स्टेट की जो है तुलनात्मक रूप से एक कॉन्स्टिट्यूशन है, विच इट्स फ्री सिटीजन्स हैव, जिसे इसके आज़ाद जो नागरिक है फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री में पहली बार जो है गिवन टू देमसेल्व्स, वो अपने आप को समर्पित किए हैं, दिए हैं। इट इज़ द यंग स्टेट ऑफ एन एंशिएंट पीपल। यह वही एंशिएंट पीपल के यंग स्टेट हैं हु थ्रू द लॉन्ग मिलेनिया, जो कि हजारों वर्षों के सफ़र करने के बाद, एंड थ्रू कोऑपरेशन ऑफ डाइवर्स एथनिक एलिमेंट्स, और अलग 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 जो डाइवर्स एथनिक एलिमेंट हैं उसके सहयोग के साथ, हैव स्ट्राइविंग टू रियलाइज टाइमलेस एब्सोल्यूट वैल्यूज इन दियर ओन पिक्लियर वे। उन्होंने संघर्ष किया है कि टाइमलेस एब्सोल्यूट वैल्यूज इन दियर ओन पिक्लियर वे। ओन पिक्लियर वे मीन्स कि उन्होंने अपने वैल्यू को अपने अपने तरीके से रखा है, अपनी अपनी तरीके से बताया है, और इसके लिए उन्होंने संघर्ष किया है। आई प्लेस माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ दोज वैल्यूज। कहते हैं जो लोगों ने ऐसा किया है मैं उनके लिए, उनकी सर्विस के लिए जो है शपथ लेता हूँ। फॉर द सम कंक्रीट रियलाइजेशन ऑफ वैल्यू में बिकम इन एडिक्वेट विद ए चेंज ऑफ सरकमस्टांसेस। क्योंकि भले ही कुछ जो कंक्रीट रियलाइजेशन है वैल्यू की वो अपर्याप्त हो सकते हैं बदलती हुई परिस्थिति के साथ, द वैल्यू रिमेन्स इटर्नली वैलिड एंड प्रेसेस फॉर न्यूअर एंड फ्रेशर रियलाइजेशन। लेकिन कहते हैं वैल्यू जो है वो अनंत काल तक बनी रहती है वैलिड, और ये हमेशा जोर डालती है एक नई एहसास के लिए और एक ताजी एहसास के लिए। द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टेटिक। पास्ट ना तो मरी है और ना ही एक साथ है या एक ही जगह पे कायम है। इट इज अलाइव एंड डायनेमिक। यह जीवित है और यह चलायमान है। एंड इट इज इन्वॉल्व्ड इन डिटरमिनिंग द क्वालिटी ऑफ आवर प्रेजेंट। और यह हमारी प्रेजेंट जो है उसकी क्वालिटी को निश्चित करने में शामिल है। एंड द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ आर फ्यूचर। और हमारे फ्यूचर की क्या संभावनाएं हैं उनके बारे में बता रही है। द प्रोसेस ऑफ इट्स कॉन्स्टेंट रिन्यूअल इज इंडीड द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर। कहते हैं इसकी जो लगातार जो रिन्यूअल की जो कार्य है वो बाकी में ये एक ऐसा नेशनल कल्चर के ग्रोथ का कार्य है और साथ में नेशनल कैरेक्टर का भी है। मतलब यहाँ पे कह रहे हैं यह जो रिन्यूअल की बात ऊपर पीछे लिखा गया था न्यूअर और फ्रेशर रियलाइजेशन, इसी चीज़ के बारे में बता रहा है कि ये जो कार्य हो रहे हैं वो वाकई में नेशनल कल्चर और नेशनल कैरेक्टर को आगे बढ़ाने का कार्य है। इट इज़ द बिजनेस ऑफ एजुकेशन एज आई सी इट। जैसे कि मैं देख रहा हूँ यह एक एजुकेशन की बिजनेस है, टू मिनिस्टर दिस कॉन्स्टेंट रिन्यूअल, जहाँ पे हम इस लगातार रिन्यूअल को लगाते हैं।
टू मिनिस्टर का मतलब यहाँ पे लगाना होगा. एंड आई मे बी फॉर गिविन द प्रिजम्पशन दैट माई चॉइस टू दिस हाई ऑफिस हैज़ मेनली इफ नॉट एंटायरली बीन मेड ऑन अकाउंट ऑफ माई लॉन्ग एसोसिएशन विद एजुकेशन ऑफ माई पीपल. और यहाँ पे कह रहे हैं, और मुझे जो है इस बात के लिए क्षमा किए जा सकते हैं उस प्रिजम्पशन के लिए, जो कि सत्य नहीं भी हो सकते हैं, कि मेरा जो चॉइस है इस हाई ऑफिस के लिए वो मुख्य रूप से अगर पूरी तरह से ना हो तो जो लोगों के, जो एजुकेटेड लोगों की जो लंबी जो एसोसिएशन है उसके कारण से बनाए गए हैं. आई मेंटेन दैट एजुकेशन इज़ द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस. और मेरा मानना है कि एजुकेशन जो है वो नेशनल पर्पस के लिए एक मुख्य हथियार है. एंड दैट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज इनस्केपेबली इन्वॉल्व इन द क्वालिटी ऑफ द नेशन. और किसी भी नेशन की क्वालिटी जो है उसमें उसकी एजुकेशन की जो क्वालिटी है वो बिना हेर फेर के सम्मिलित होती है. तो इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो आई विल एक्सप्लेन द रेस्ट पैराग्राफ्स.